हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एमपी जीके का पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। ये पोर्शन से भी एमपी के एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स क्योंकि एमपी में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो हम डेली एक दो ट्राइब को कवर करेंगे शॉर्ट वीडियो बना के, उनके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए शेड्यूल ट्राइब क्या होती हैं और एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जनरल नॉलेज में। ओके, तो सबसे पहले हमको ये चीज़ तो पता ही है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन जो पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में, तो उस हिसाब से एमपी का रैंक क्या है, फर्स्ट। एमपी रैंक फर्स्ट करता है शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन में, और अगर परसेंटेज बेसिस में देखा जाए तो 13 पोजीशन आता है। तो देख लिया कि फर्स्ट पोजीशन में है एमपी पॉपुलेशन के बेसिस में, और 13 पोजीशन है उसका परसेंटेज बेसिस में। फिर देखना चाहिए कि इसका सेंसस के हिसाब से 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी थी एमपी में, 1,53,16,784 टोटल। ये फिगर्स हैं, फिगर्स कभी कभी पटवारी जैसे एग्जाम्स में पूछ लेता है, सेंसस से रिलेटेड है तो वो और भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं पूछने की। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी है एमपी में, 1,53,16,784, ये फिगर्स में है। परसेंटेज बेसिस में देखा जाए तो कितना परसेंट है, 21.09% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। देखा जाए तो 1/4 के अप्रॉक्स जो एमपी में पॉपुलेशन है वो किसकी है, ट्राइबल की। तो फिर देखा जाए तो कितने ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो टोटल 43 ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं। 43 ट्राइबल ग्रुप्स मतलब कि जैसे भील हो गए, गोंड हो गए, इस तरह से बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं ना, नॉट अ पर्टिकुलर वन ट्राइब। तो कैसे इस तरह से कितने ग्रुप्स हैं ट्राइबल जो एमपी में पाए जाते हैं, 43। ओके, तो इसमें से तीन फैक्ट था कि फर्स्ट अपना एमपी क्या है, फर्स्ट पोजीशन में है पॉपुलेशन बेसिस में, 13 परसेंटेज बेसिस में। 2011 के सेंसस के हिसाब से ये फिगर याद रखना है कि ये कितना पॉपुलेशन थी, और 21.09% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इसके बाद अपन को देखना है कि जो स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स होती हैं वो इंडिया में ऑल ओवर आइडेंटिफाई की गई हैं कि स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स, मतलब स्पेशल बैकवर्ड मतलब कि वो इकोनॉमिकली सोशली उतनी डेवलप नहीं हो पाई हैं, जो जीवन की मुख्य धारा से उनको अच्छी तरीके से जोड़ा नहीं गया, वो आज भी उनका रहन सहन थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, और पूरी तरह से वो समाज में अबव पॉवर्टी लाइन या फिर इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो पाई है। तो बहुत वैसे तो ट्राइब इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली सोशली डेवलप नहीं है, लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो उनमें भी बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है। ठीक है, जो उनको स्पेशल रिकॉग्नाइज किया गया है वो इंडिया में तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से एमपी में कितनी हैं, तो वो 3 हैं। एमपी में कितनी है, 3। ओके, तो अपन को इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड ट्राइब की बात हो रही है, बैकवर्ड से बैक का ले लो बैगा, तो सबसे पहले यहीं से चालू कर लो बैगा। तो सबसे पहले कौन सी आ गई, बैकवर्ड में बैगा, बैग लेके बाहर बाहर घूमते रहते हैं, शहर में नहीं आते हैं, बैकवर्ड ट्राइब है ना, स्पेशल बैकवर्ड, तो शहर में थोड़ा ना आएंगे, बाहर ही घूमते रहेंगे। तो बैगा, भारिया, सहरिया, ये 3 इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं जो स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब हैं, एमपी में पाई जाती हैं। मार्केट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 पूछ ही लेता है, नाम पूछ लेगा कौन सी स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब है जो एमपी में पाई जाती है, तो बैगा, भारिया, सहरिया। ओके, अब उसके बाद अपन को कौन सा फैक्ट देखना है कि ट्राइबल पॉपुलेशन मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है। तो अपन ने देखा कि एमपी में मैक्सिमम नंबर में ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, मतलब फर्स्ट पोजीशन में, तो अपनी एक तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिमम धरोहर हुई ना एमपी की। तो अपन ने क्या देख लिया, मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है, फिर ये धार में, कहाँ पाई जाती है, धार में। तो ट्राइबल पॉपुलेशन जो मैक्सिमम पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, धार में। अपन ने इसको कैसे याद किया कि एमपी का बहुत इंपॉर्टेंट धरोहर है ये, तो धार, धार में मैक्सिमम पॉपुलेशन पाई जाती है ट्राइबल की, और सबसे कम कहाँ पाई जाती है, भिंड में। कहाँ पाई जाती है सबसे कम, भिंड में। तो भिंड में सबसे कम पाई जाती है, क्यों, क्योंकि ये लोग जंगल में रहते हैं, भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते हैं, किसी से भिड़ते भी नहीं, इस तरह से याद कर लेना भिंड। तो भिंड में सबसे मिनिमम पॉपुलेशन। तो मैं बात देखना है क्या कि फिर ट्राइबल पॉपुलेशन परसेंटेज बेसिस में कहाँ ज़्यादा पाई जाती है। तो परसेंटेज बेसिस में ट्राइबल राजा हैं कहाँ के, अलीराजपुर, इसमें राज आ रहा ना, राज, इससे बना लेना राज, राजा। तो अलीराजपुर के राजा मतलब कि ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा परसेंटेज बेसिस में कहाँ, अलीराजपुर, 89.89%। ओके, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अलीराजपुर में है परसेंटेज बेसिस में, किसकी, ट्राइब्स की। और सबसे कम वापस से ये भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते, किसी से भिड़ते भिड़ते नहीं, तो कम कम भिड़ते हैं, कम भीड़ में रहते हैं, कम। तो कम सबसे कम कहाँ, भिंड में, 0.4%। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या अपन को ट्राइब के हिसाब से पता होना चाहिए। तो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से कितना ट्राइबल पॉपुलेशन है जो अर्बन एरिया में रहती है। तो अपन ने देखा 1,53,00,000 वो टोटल पॉपुलेशन था किसका, ट्राइब्स का, उसमें से 10
5.40 लाख ट्राइब्स कहाँ रहती, अर्बन एरिया में, जो कि टोटल पॉपुलेशन का कितना है, ओनली 6.8%। तो वैसे ही पता है ट्राइब्स जनरली जंगल एरिया में, मतलब कि जो सिटी वगैरह से दूर वगैरह जंगल के आसपास वगैरह एरिया में रहना पसंद करते हैं, तो वो जनरली अर्बन एरिया में कम रहेंगे, इसलिए 6.8% ही टोटल ट्राइब्स का कहाँ रहता है, सिटी में, और वो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये फिगर याद करें, 10.40 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा ट्राइबल की अर्बन पॉपुलेशन रहती कहाँ है। तो देखा था अपन ने भिंड में सबसे कम ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, तो जब लोग सबसे कम रहते हैं तो थोड़ा सा डरते हैं, तो वो लोग जंगल में नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे, शहर में। तो सबसे ज़्यादा भिंड में जो पॉपुलेशन है ट्राइब की, वो सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है, तो याद रखना भिंड में कम पॉपुलेशन पाई जाती है ट्राइब्स की, लेकिन सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया में रहती है वो, मतलब वो पॉपुलेशन अर्बन एरिया की है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अर्बन एरिया भिंड में पाई जाती है, अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा ट्राइब जो कहाँ रहते हैं, भिंड में रहते हैं, और सबसे कम कहाँ रहते हैं, डिंडोरी में। ठीक है, डिंडोरी में कितने, ओनली 1.6% ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया। तो डिंडोरी में सबसे कम ट्राइब्स जो हैं जो शहर में रहते हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं कि जो सेक्स रेशियो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उनके बीच का डिफरेंस कितना, 67 पॉइंट्स। उसके बाद और क्या फैक्टर याद रखना है, ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है। ट्राइबल जो अपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना अपने एमपी का, तो उनके लिए म्यूजियम, तो उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उनसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, उनका म्यूजियम बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसी तरह एमपी के लिए भोपाल बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि कैपिटल सिटी है, तो इस तरह ट्राइबल का जो म्यूजियम है भोपाल में, तो याद रखना है एमपी में ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है, भोपाल में लोकेटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्राइबल कम्युनिकेशन सेंटर, ट्राइबल कम्युनिकेशन सेंटर वो कहाँ है, झाबुआ में। अब इसको कैसे याद रखोगे, क्योंकि झाबुआ में सबसे ज़्यादा कौन सी ट्राइब पाई जाती है, भील। अब भील ट्राइब ऑल ओवर इंडिया में भी सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन जो है भील का, और एमपी में भी सबसे ज़्यादा ट्राइब कौन सी पाई जाती है, भील, और झाबुआ में ज़्यादातर भील ट्राइब ही रहती है। तो जो ट्राइब ज़्यादा होगी वो कम्युनिकेशन भी ज़्यादा करेगी ना, बातचीत ज़्यादा करेंगे ना, ज़्यादा लोग होंगे तो कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है। तो ये याद रखना, झाबुआ में उनका ट्राइबल कम्युनिकेशन सेंटर है। तो कहाँ है ट्राइबल कम्युनिकेशन सेंटर, झाबुआ में। ओके, ये फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिकेशन है इंडिया का जो कि झाबुआ में बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, मतलब ट्राइबल्स के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई गई, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई, अमरकंटक में। अमरकंटक जहाँ नर्मदा निकलती है, नर्मदा मतलब जंगल एरिया, रिफ्ट वैली वगैरह वगैरह, मतलब बहुत जंगल एरिया, तो ट्राइबल्स कहाँ रहते हैं, जंगल में। तो इस तरह से याद रख सकते हो, अमरकंटक जंगल, मतलब वहाँ से पहाड़, पहाड़ से जो नदी निकली है जंगल एरिया है, तो वहाँ पास क्या है, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। तो याद रहेगा इस तरह से, अमरकंटक में क्या है, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ओके, और उसके बाद क्या देखना है, जो 43 सब ग्रुप्स अपन ने पढ़ा था ना, 43 ग्रुप्स ऑफ ट्राइबल्स जो एमपी में रहती हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी, भील। अभी अपन ने देखा था झाबुआ में भील कम्युनिकेशन सेंटर है, मतलब भील सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में है, और भील में भी उनका सब ग्रुप जो रहता है उसमें भिलाला ट्राइब सबसे ज़्यादा है। भील एक ट्राइब हो गई और उसमें भी बटे हुए रहते हैं, तो उसमें भिलाला ट्राइब है वो सबसे ज़्यादा है। तो देखा जाए 43 ट्राइबल ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा कौन सी है, भील है। और भील में भी कौन सी ट्राइब, उनका सब ग्रुप भिलाला, जो कि कितनी है, भील कितनी है, 59.93 लाख, उसमें से मतलब कि 39.1%। तो टोटल पॉपुलेशन जो है ट्राइब्स की, उसमें से 39.1% किसकी है, भील की। ठीक है, अब देखना है कि सबसे लार्जेस्ट ट्राइब कौन कौन सी है मध्य प्रदेश की, तो कौन सी है, पहले तो अपन पहले ही देखते आ रहे हैं कौन सी, भील। भील तो सबसे ज़्यादा ट्राइब पाई जाती है, फिर उसके बाद गोंड, फिर उसके बाद कोल। तो भील, गोंड और कोल, ये तीन ट्राइब है जो सबसे ज़्यादा नंबर में एमपी में पाई जाती है। और सबसे कम कौन सी पाई जाती है, कमार, जो कि सीधी डिस्ट्रिक्ट में रहती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो मोस्टली पूछा जा चुका है, अब चांसेस ज़्यादा रहते हैं किसके, कम। कम कौन सी, कम से आ गया कमार, स्मॉलेस्ट ट्राइब कम, तो कमार कहाँ रहती है, सीधी, इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखना है, इंडिया में सबसे ज़्यादा किसकी पॉपुलेशन, तो इंडिया में भी मैंने आपको बताया था भील सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फिर गोंड, गोंडवाना लैंड था तो उससे याद रख लो गोंड, एमपी में भी सेम है भील, फिर गोंड, बस चेंज क्या हो गया, यहाँ पास कोल ज़्यादा आ गया, फिर यहाँ पास संथाल, संथाल में भी याद रखना जो अपन के प्रेजेंट के जो प्रेसिडेंट हैं, वुमेन, फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट ट्राइबल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नहीं, फर्स्ट वुमेन कौन थी, प्रतिभा पाटिल, लेकिन ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है। ठीक है ना, तो वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती है, संथाल। तो ये आपको संथाल से रिलेटेड तो और भी फैक्ट पता होना चाहिए, वो अपन जब संथाल ट्राइब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन संथाल ट्राइब से जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है वो अपनी द्रौपदी मुर्मू, जो करंट में प्रेसिडेंट है अपनी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं अपन। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में ट्राइबल का जो इकोनॉमिकली सोशली उनको डेवलप करने के लिए एक ट्राइबल फाइनेंस कॉरपोरेशन भी बनाया गया है, डेवलप किया गया है, जो कब डेवलप, 29 सितंबर 1994 में, जो कि कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के अंडर बनाया गया था। को पॉवर्टी लाइन से एलिमिनेट, मतलब पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाने के लिए ये अपन ने कॉरपोरेशन, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया था।
कि आपके उनको पॉवर्टी लाइन के अबव ला सकें, इसलिए अपन ने ये मध्य प्रदेश ट्राइबल फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया था, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद रखना, कब इस्टेब्लिश किया था, सितंबर 29, 1994 को कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर, वो भी सेक्शन 25 के अंडर। ओके, इतना फैक्ट याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे अपन को देखना है कि सबसे पहले आज अपन एक ट्राइब पढ़ लेते हैं, कौन सी, भील ट्राइब, जो सबसे ज़्यादा एमपी में पाई जाती है, जिसका हाईएस्ट पॉपुलेशन एमपी में रहता है, ठीक है। अभी वर्ड कहाँ से निकल के आया है, संस्कृत वर्ड भील, और द्रविड़ वर्ड होता है भील, ठीक है। और भील का वर्ड क्या, मतलब वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है बो, बो मतलब कि जो धनुष होता है ना, धनुष, ये लोग बहुत अच्छी आचरी चलाते हैं, मतलब धनुष वाण जो तीर कमान चलाने में बहुत निपुण होते हैं, वो होती है भील ट्राइब, ठीक है। तो इनका मीनिंग भी यही निकल के आया, आचरी, भील, ठीक है, आर्चरी। और ये लार्जेस्ट ट्राइब है जो एमपी में रहती है, और ये कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, गुना, ये इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये भील ट्राइब पाई जाती है। भीली लैंग्वेज बोलेंगे और प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट ह्यूमन रेस से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। इतने दो फैक्ट याद रखना है। फिर उसके बाद क्या देखना है कि इनके बारे में डिटेल में एक जन ने बताया था बुक के थ्रू। तो अपन जब टीवी देखते हैं ना, टीवी में कोई चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई होती है ना, इसी तरह, इस तरह से याद रख सकते हो, टीवी नायर। तो एक टीवी नायर था जिसने बुक लिखी थी द भील, जिसमें भील ट्राइब के बारे में डिटेल सारी चीज़ें बताई थी। ओके, तो याद रखना किसने लिखी थी, टीवी नायर ने, बुक का नाम क्या था, द भील। ओके, इतना याद रखना। अब आगे देख लेते हैं और क्या पढ़ना है, सब ट्राइब। अच्छा, भील की सब ट्राइब कौन कौन सी होती हैं, तो अभी देखे थे भिलाला, है ना, सबसे ज़्यादा जो भील में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, भिलाला, उसमें से भील एक हो गई, बरेल हो गई, पटालिया, रथियास, बेगास, उमरी, ये सब क्या है, भील की सब ट्राइब है, ये क्या है, सारी सब ट्राइब है। फिर उसमें से भी इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, दो फैक्ट और याद रखना अपन को, क्या, सबसे पहला फैक्ट कि अपने आप को किसके डिसेंडेंट मानते हैं, महाराणा प्रताप के, कौन, भील ट्राइब, ये किसके डिसेंडेंट मानते हैं अपने आपको, वंशज मतलब कि महाराणा प्रताप के। ओके, और इसमें से भी जो उमरी सब ट्राइब है, भाई अपन ने ऊपर देखा ना उनकी सब ट्राइब में उमरी, ये लोग किस धर्म को फॉलो करते हैं, इस्लाम। तो ये सब ट्राइब कौन सी, ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कौन सी भील की सब ट्राइब है जो कि इस्लाम धर्म को फॉलो करती है, ठीक है, वो है उमरी सब ट्राइब। और ये कहाँ पाई जाती है, गुना और शाजापुर में, इसके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में रहती है, कौन सी ट्राइब, उमरी ट्राइब। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में। फिर इसमें एक चीज़ और इनके बारे में जो बहुत फेमस है कि ये पिथौरा पेंटिंग, तो भील ट्राइब में कौन सी पेंटिंग फेमस है, पिथौरा पेंटिंग। कदवई भील्स को क्या बोला जाता है, मुस्लिम भील्स ही बोला जाता है। और इनमें दो फैक्ट आ गए, ओके, कि पिथौरा पेंटिंग कौन करता है, इनमें भील्स में की जाती है पिथौरा पेंटिंग, और जो कदवई भील्स होते हैं वो मुस्लिम भील्स होते हैं। और एक उमरी भील्स ने, अपन ने जो सब ग्रुप पढ़ा था, वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, इस्लाम, ठीक है ना। तो ये तीन फैक्ट याद रखना। उसके बाद उनको दिखते कैसे हैं, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, तो वो बट ऑब्वियस है, ट्राइब्स जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी स्ट्रांग बॉडी होती है, स्किन कलर डार्क होता है, हेयर्स कर्ली होते हैं, नोस फ्लैट होती है, और मीडियम साइज, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, मतलब इस तरह के होते हैं, ठीक है। फिर उनका ज्वेलरी वगैरह कैसे पसंद करते हैं पहनना, तो वो क्लोथ्स उनको कलरफुल बहुत पसंद करते हैं, भील ट्राइब बहुत कलरफुल ट्राइब होती है, उनको कलरफुल ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स, कलर्स, ये सब बहुत पसंद होते हैं। और वुमेन्स और मेंस दोनों को बॉडी में टैटू कराना बहुत पसंद होता है, और जनरली उन लोग सिल्वर, सिल्वर की ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, सिल्वर के बहुत मोटे मोटे पैर में, गले में, हाथ में बहुत होती है। जनरली जो वुमेन पहनती है वो पहनती हैं अंगरखा पहनती हैं, और घाघरा ओढ़ नहीं रहता उनका ड्रेसअप, ठीक है। उसके बाद उनका खाना क्या रहता है, खाना मक्के की रोटी, जनरली मक्के की रोटी, जवा, ये और टोडी, ये एक तरह का पेय पदार्थ है, वो ताड़ का रस वगैरह होता है वो उसको, तो ये उनका फेवरेट डिश रहता है। और फिर वो महुआ से वो अल्कोहल बना के वो सब भी उनका पीने में एज अ पार्ट ऑफ उनका ड्रिंक रहता है, ठीक है, महुआ से वो अल्कोहल बनाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अपन को फैक्ट के हिसाब से याद होना चाहिए, क्या है, कड़कनाथ चिकन। ये कड़कनाथ चिकन को अभी जीआई टैग दिया गया एमपी में, दो जगह का कंफ्यूजन चल रहा था, छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा को दिया जाए कि झाबुआ मध्य प्रदेश को, तो अपन का मध्य प्रदेश झाबुआ इस चीज़ में आगे निकल के आया था, और झाबुआ को जीआई टैग दिया गया है, किस लिए, कड़कनाथ चिकन के लिए। और ये चिकन बहुत ही प्रोटीन होता है इसका, इसका ब्लड भी इवन डार्क ब्लैक कलर में होता है, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, और मेडिसिनल पर्पज़ में भी यूज़ किया जाता है, और झाबुआ को इसके लिए क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। ओके, तो ये फैक्ट याद रखना, कड़कनाथ चिकन जो एमपी का प्राइड भी है, और उसका जीआई टैग झाबुआ को दिया गया था, ठीक है। ओके, फिर आगे देखते हैं, अब अपन को देखना है कि ये लोग रहते कहाँ हैं, भील ट्राइब, इनके रहने के जगह को क्या बोला जाता है, भील ट्राइब के जो रहने का रेसिडेंट होता है वो फालिया बोलते हैं, और उनके घर को कू बोलते हैं, ये दो फैक्ट रखना, मतलब फैले हुए हैं ना पूरी जगह भील, इंडिया में और एमपी में भी, तो उनके रहने की जगह क्या बोलते हैं, फालिया,
और कू, छोटे छोटे घर जो उनके रहते हैं उनको क्या बोला जाता है, कू, ठीक है। तो ये दो फैक्ट याद रखना। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेटस क्या रहता है कि जनरली जो भी भील ट्राइब्स होते हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये दो मेथड एग्रीकल्चर के फॉलो करते हैं, धाजिया और चिमाता। ये दो एग्रीकल्चर के तरीके हैं जो ट्राइब्स फॉलो करते हैं। और भी उन लोग क्योंकि जंगल से जुड़े रहते हैं तो उनका और भी जो काम रहता है जंगल से रिलेटेड रहता है, वुड कटिंग वगैरह करना और उनके प्रोडक्ट्स को सेल करना, फिर वुड्स बेचना, और भी मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब हर्ब्स वगैरह, जड़ी बूटी वगैरह जंगल से, वो सब फ्लावर्स वगैरह, ये सब चीज़ें उनका इकोनॉमिक लाइफ का पार्ट रहता है। फिर उसके बाद अपन को क्या देखना है कि सेंसस के हिसाब से जो 2011 का सेंसस हुआ था उस हिसाब से जो भील की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से जो मोर देन 50% पॉपुलेशन है वो किसमें इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में। तो मतलब 50% किसमें इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में। और 1/3 ऑफ द जो भील की पॉपुलेशन है वो क्या है, फार्म में लेबर्स है, मतलब उनका खुद का फार्म नहीं है, वो लेबर्स के थ्रू फार्म लेबर्स में काम करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना 53.8% भील्स क्या है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या देखना, सोशल और कल्चरल स्टेटस क्या है उनका, ज्वाइंट फैमिली में रहती है और पैट्रियार्कल को फॉलो करती है, मतलब कि हेड उनका मेल रहता है और इसी तरह आगे वाली पीढ़ी में भी फिर जो बड़ा मेल होगा वो हेड बनेगा, इस तरह से उनका चलता है। और जो विलेज का हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, गमेटी। ट्राइब को मामा कह के संबोधित, बहुत प्राइड फील करते हैं उन लोग, क्योंकि टांट्या मामा अगर सुना होगा तो वो एक ट्राइबल भील ट्राइब के थे जिन्होंने ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था और वो ब्रिटिशर्स को लूट लूट के गरीबों में बांटते थे, तो उनको रॉबिनहुड भी बोला जाता था। तो टांट्या मामा नाम से उनका बहुत ज़्यादा एड्रेस किया जाता था, इस तरह से भील ट्राइब को एड्रेस करते हैं मामा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भगोरिया फेस्टिवल, जो भील ट्राइब में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भगोरिया फेस्टिवल कौन से ट्राइब में मनाया जाता है, तो ये भील ट्राइब में, ये कभी मत भूलना भगोरिया, ये 7 डेज़ का होता है, 7 डेज़ का फेस्टिवल होता है जो कि 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड किया होता है। सबसे पहले गुलालिया होता है, फिर उसके बाद होता है भील ट्राइब में सबसे पहले 7 डेज़ का रहता है भगोरिया, बताया ना 7 डेज़ का रहता है भगोरिया, जिसमें से 2 दिन चलता है गुलालिया, फिर उसके बाद 3 दिन चलता है गोल गधेड़ो, जो मेन डांस फॉर्म भी होता है गोल गधेड़ो, फिर आखिरी के 2 दिन चलता है क्या अपना उजाड़िया, जब मेला वगैरह सब खत्म होने लगता है, ठीक है। तो अपन को इसमें देखना है क्या कि भील ट्राइब मेन फेस्टिवल है किसका, भील ट्राइब का, कौन सा, भगोरिया, जो कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर धार खरगोन जहाँ भील ट्राइब पाई जाती है वहाँ मनाया जाता है। और ये मेनली फेस्टिवल किसका है, लव और मैरिज का, मतलब इसमें जनरली जो भी कपल्स एक दूसरे को पसंद करते हैं वो एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं, अगर उनको पकड़ा नहीं गया तो फिर बाद में उनकी फैमिली के साथ सुलह करा के उनकी शादी करवा दी जाती है, ठीक है। तो ये एक तरह के लव और मैरिज से रिलेटेड फेस्टिवल है जो कि भील ट्राइब में मनाया जाता है। तो उसमें 3 पार्ट में होता है, जैसे कि मैंने बताया था 3 पार्ट में होता है, गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया। तो पहले 2 दिन चलता है गुलालिया, इसमें क्या करते हैं एक गुलाल लगाते हैं, फिर गोल गधेड़ो चलता है जो कि 3 दिन का रहता है, ठीक है। तीसरा आ जाता है उजाड़िया, उजाड़िया में मतलब कि लास्ट 2 दिन जब खत्म होने वाला है, फेयर्स वगैरह सब एंड होने वाले हैं, तो इस टाइम पर लोग शॉपिंग वगैरह जो भी चीज़ें रहती हैं मेला वेला घूमना वो सब खरीदते हैं, ठीक है ना, एंडिंग होती है उजाड़िया 2 दिन का। तो याद रखना ये भगोरिया जो रहता है फेस्टिवल भील ट्राइब में मनाया जाता है 3 दिन का होता है, गुलालिया, गोल गधेड़ो, उजाड़िया, ठीक है ना, 7 दिन टोटल रहते हैं, 3 दिन का बीच में का रहता है गोल गधेड़ो, ओके। फिर उसके बाद क्या देखना है कि भगोरिया फेस्टिवल भील में होली के टाइम पर बहुत पॉपुलर रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज कवर किया भील ट्राइब को, इस तरह से हम एक दो ट्राइब को रोज़ डेली कवर करेंगे और अपना शेड्यूल ट्राइब वाला जो जीके का पोर्शन है वो कवर करेंगे, ओके। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।